हेलो फ्रेंड्स, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग लोअर अपर टाइटल केस। अगर हमें पाइथन ने किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस, अपर केस या टाइटल केस में कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए हम सिंपल सी कोडिंग लिखते हैं। सबसे पहले मैंने एक यहाँ पर लिख दिया स्ट्रिंग, और यहाँ पर जो भी हम स्ट्रिंग को लोअर केस, अपर केस और टाइटल केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो स्ट्रिंग यहाँ पर मैंने मैंशन कर दी है, राइट। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट। सबसे पहले जैसे हम इसी स्ट्रिंग को अपर केस में चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अपर केस, ठीक है। अपर केस में हम चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर लिखा है अपर केस, ठीक है। इसके बाद हमने एसटीआर में अपनी वैल्यू को यहाँ पर हमने सेट करके रखा है, ठीक है। हम अपर केस में चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अपर ब्रैकेट को ऑन ऑफ, ठीक है। अब अगर हम इसका रिजल्ट देखते हैं तो हमारी जो लिस्ट है वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, ये देखिए जो हमारी लिस्ट है वो अपर केस में यहाँ पर ये शो कर रहा है, राइट। यहाँ पर हम थोड़ा सा सिंबल्स लगा देते हैं, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग अगर हमें लोअर केस में देखनी है तो सिंपल हम इसी लाइन को रिपीट कर देंगे और अपर की जगह हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, लोअर केस, ठीक है। लोअर केस लिख दिया है और यहाँ पर स्ट्रिंग में भी अपर की जगह क्या लिख देंगे, लोअर, राइट। अगर टाइटल केस में हम देखना चाहते हैं तो हम अपर वर्ड्स की जगह क्या लिख देंगे, टाइटल। बिल्कुल सिंपल, इतना इससे करने से हमारी लिस्ट जो है वो अपर केस, टाइटल केस और लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम इसे फाइल में जाके सेव करेंगे। जो भी हम करेक्शन करते हैं उसके बाद हम सेव करते हैं, रन में जाकर रिजल्ट देखेंगे। तो हमारी लिस्ट देखिए, फर्स्ट वाली जो हमारी लिस्ट है वो अपर केस में दिखा रहा है, सेकंड वाली ये लोअर केस में, और थर्ड वाली जो लिस्ट है वो टाइटल केस में। जो फर्स्ट वाली लिस्ट है उसमें सभी लेटर कैपिटल्स हैं, जो सेकेंड वाली लिस्ट है इसमें सभी लेटर्स हमारे स्मॉल्स हैं, और जो हमारी लास्ट वाली लिस्ट है इसमें हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी लेटर्स हमारे स्मॉल है। टाइटल केस में हम जो भी वर्ड्स लिखते हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, अदर लेटर्स उसके स्मॉल होते हैं। इस तरीके से हम पाइथन लैंग्वेज में किसी भी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं लोअर केस, अपर केस और टाइटल केस में। अगर हम सिर्फ चेक करना चाहते हैं कि ये स्ट्रिंग हमारी अपर केस में है या नहीं, लोअर केस में है या नहीं, या टाइटल केस में, इसके लिए हम इज लोअर, इज अपर और इज टाइटल का यूज करते हैं। जैसे मैंने इस लाइन को कॉपी कर लिया, यहाँ पर पेस्ट कर लिया। हम चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि जो हमारी लिस्ट है वो टाइटल केस में है कि नहीं, मीन्स अपर केस में है कि नहीं। बस यहाँ पर हम अपर से पहले इज लगा देंगे, राइट। इसमें जैसे हम सेव कर रहे हैं, इसका रिजल्ट चेक कर लेते हैं। जो हमारी लिस्ट है वो अपर केस में नहीं है, इसलिए इसने क्या लिख दिया, फॉल्स लिख दिया है, राइट। अगर होती तो ये यहाँ पर क्या लिख देता, ट्रू लिख देता। बिल्कुल सिमिलर हमने यहाँ पर चेक कर रहे हैं, हम ये लोअर केस के लिए भी और टाइटल केस के लिए भी। ये चेक करने के लिए हम इज अपर और इज लोअर का यूज करते हैं, राइट। चेक, ये देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर। इस तरीके से हम पाइथन लैंग्वेज में बिल्कुल सिंपल, आपने देखा इजी लगाया यहाँ पर मैंने, और हम इतने से ही चेक कर सकते हैं कि हमारी लिस्ट अपर में है, लोअर में है या टाइटल में है। ये देखिए जो हमारी कंप्लीट लिस्ट है वो हमारी लोअर केस में है, इसलिए लोअर वाले में इसने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, और अपर केस में फॉल्स और टाइटल केस में भी फॉल्स कर दिया है। अगर हम इस लिस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया, ये देखिए मैं इसको टाइटल केस में कन्वर्ट कर रही हूँ लिस्ट को। अब देखिए टाइटल वाले में ये ट्रू दिखा देगा, क्योंकि हमारी लिस्ट क्या होगी, टाइटल केस में इस टाइम, राइट। फर्स्ट लेटर कैपिटल है, अदर लेटर स्मॉल है। अगर हम इसका अब रिजल्ट देखते हैं तो लोअर वाले में जो है हमारा ये क्या दिखा देगा, फॉल्स दिखा देगा, और टाइटल वाले में ट्रू दिखा देगा, राइट। अगर हम चेक करना चाहते हैं अपर केस में भी, तो हम कंप्लीट जो हमारी लिस्ट है इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, अपर केस में। ये देखिए जैसे हम इस लिस्ट को कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो वो क्या दिखा देगा, वहाँ पर जो कैपिटल वाला हमने अपर केस का दिया है उसमें ट्रू दिखा देगा, लोअर वाले में टाइटल वाले में क्या दिखा देगा, ये फॉल्स दिखा देगा। अगर हमें चेक करना है कि कोई भी लिस्ट हमारी किस केस में लिखी हुई है, हमारी स्ट्रिंग, तो इसके लिए हम इज लोअर, इज अपर और इज टाइटल का यूज करते हैं। देखिए अपर केस में इसने ट्रू दिखा दिया है, और जो हमारा लोअर केस और टाइटल केस था इसमें इसने फॉल्स दिखा दिया है। इस तरीके से पाइथन लैंग्वेज में हम किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस, अपर केस और टाइटल केस में कन्वर्ट कर सकते हैं।
अपर लोअर टाइटल फंक्शंस का यूज करके और इज अपर इज लोअर इज टाइटल फंक्शन का यूज करके चेक कर सकते हैं कि लिस्ट हमारी किस केस में लिखी गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।